हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर द हेयर ऑन द मून ऑफ क्लास 6 लेसन 8। आइए आज हम कक्षा 6वीं के लेसन 8 हेयर ऑन द मून, हेयर का मतलब होता है खरगोश, ऑन द मून यानी चंद्रमा में, आकाश में खरगोश, ये जो है इसका टाइटल है। पढ़ते हैं और समझते हैं यह पार्ट। अ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, ही हैड टू फ्रेंड्स, अ मंकी एंड एन ऑटर। यहाँ हेयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट यानी खरगोश जो है कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में। लिव का मतलब होता है निवास करना, रहना। वो कहाँ रहता था भाई, वह जो है जंगल में रहता था। और उसके क्या थे, दो फ्रेंड थे। कौन कौन थे, ही हैड टू फ्रेंड्स, उसके दो दोस्त थे, अ मंकी एंड एन ऑटर। एक तो बंदर था और दूसरा क्या था, ऑटर था। ऑटर का मतलब क्या होता है, ऊदबिलाव। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और वो क्या करते थे, स्पेंट करते थे, व्यतीत करते थे, स्पेंट व्यतीत करते थे, अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एक साथ जो है वो बहुत समय बिताते थे। वन डे अ हर्मिट केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन जो है एक हर्मिट का मतलब होता है साधु, केम यानी आया, उस जंगल में जो है एक साधु आया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंगरी, वह कैसा था, बहुत थका हुआ था। टायर का मतलब होता है थका हुआ होना, ठीक है, TIRE, और TYRE होता है टायर यानी चक्का, है ना, ये है टायर एंड थका हुआ था। एंड हंगरी, हंगरी यानी भूखा भी था वह। देखिए ये है साधु, ये है ऑटर। द ऑटर वॉज कैचिंग फिश, और उस समय ये ऑटर क्या कर रहा था, देखो अपने मुंह में क्या दबाया हुआ है, फिश दबाया हुआ है, मछली पकड़े हुए है ये। द हर्मिट वेंट टू हिम, आई एम हंगरी, ही सेड। ये जो साधु है वह ऑटर के पास जाता है, उदबिलाव के पास गया और बोला आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ, ही सेड। वह बोला, तो उदबिलाव क्या बोलता है, आई हैव अ फिश, सेड द ऑटर। ऑटर ये बोलता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है एक फिश है, मछली है, सेड द ऑटर, प्लीज टेक देम, यदि आपको भूख लगी है तो आप इसको ले लीजिए। बट आई डोंट ईट फिश, लेकिन साधु कहता है कि भाई मैं तो जो है मछली नहीं खाता, है ना, मछली साधु संत लोग नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते हैं। बट आई डोंट ईट फिश, मैं तो फिश नहीं खाता हूँ, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, हैव यू एनीथिंग एल्स, सॉरी सेड द ऑटर। उसने पूछा, हर्मिट ने, साधु ने पूछा, हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हारे पास और कुछ चीज़ है जिसको मैं खा सकूँ। तो वह बोलता है, सॉरी नहीं, मेरे पास नहीं है, सेड द ऑटर, आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, आई हैव फिश, मेरे पास मछली है। द मंकी वॉज ईटिंग नट्स, और वहीं पर मंकी था, बंदर था, बंदर क्या कर रहा था, ईटिंग नट्स, वह जो है नट्स खा रहा था, नट्स यानी मेवे, सूखे फल खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम, हर्मिट जो है उसके पास जाता है, उसके पास गया और कहता है कि आई एम हंगरी, सेड द हर्मिट, उसके पास जाकर बोलता है कि मैं भूखा हूँ भाई, कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज़, क्या आप मुझको गिव यानी देना दोगे, मी यानी मुझे सम फूड, कुछ भोजन दोगे, प्लीज़ कृपया करके क्या आप मुझको कुछ भोजन देंगे। आई हैव फ्यू नट्स, सेड द मंकी, मंकी बोलता है कि मेरे पास कुछ नट्स हैं, सूखे मेवे हैं, तुम उसको खा सकते हो। ओह बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ देम, सेड द हर्मिट, लेकिन हर्मिट बोलता है कि अरे यार, अरे भाई मुझको तो जो है ज़्यादा भूख लगी है, आई वॉन्ट लॉट ऑफ देम, मुझको बहुत सारा जो है चाहिए, आई एम हंगरी, क्योंकि मैं भूखा हूँ, आई एम सॉरी, आई हैव ओनली फ्यू, सेड द मंकी, मंकी बोलता है कि भाई मेरे पास तो आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, माफ़ करें, आई हैव ओनली फ्यू, मेरे पास तो केवल थोड़े से हैं। आई विल आस्क द हेयर देन, सेड द हर्मिट, तो साधु जो है मंकी के पास से अब चले जाता है हेयर के पास, खरगोश के पास।
द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास, और हेयर क्या कर रहा था, ईटिंग ग्रास, घास को खा रहा था। द हर्मिट वेंट हिम, हर्मिट जो है उसके पास गया और कहता है कि आई एम सो हंग्री सेड द हर्मिट, मैं जो है बहुत भूखा हूँ। हर्मिट ने कहा प्लीज कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ भोजन देंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास सेड द हेयर, हेयर बोलता है, खरगोश बोलता है कि भाई मेरे पास तो जो है बहुत सारे, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे क्या हैं, घास हैं। बट आई डोंट ईट ग्रास सेड द हर्मिट विथ अ स्माइल, जो हर्मिट थे साधु थे वो जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बट आई डोंट ईट ग्रास, मैं तो जो है घास को नहीं खाता हूँ। आई हैव यू एनी थिंग एल्स, क्या आपके पास और कुछ चीज़ है जिसको मैं खा सकूँ। नो आई एम सॉरी सेड द हेयर, वह बोलता है नहीं मुझे आप क्षमा करें, ऐसा खरगोश बोलता है, आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड, आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ, बहुत भूखा हूँ एंड टायर्ड, थका हुआ भी हूँ। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा व्हाट शैल आई डू नाउ, खरगोश बोलता है व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। द हेयर थॉट फॉर अ मिनट, हेयर जो है खरगोश जो है बेचारा सोचता है एक मिनट के लिए कि भाई मैं थिंक यानी सोचना, थिंक थॉट थॉट, सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे हेयर जो हर्मिट है साधु हैं उसकी जो भूख है वो मिट जाए। वेट ही सेड प्लीज़ डोंट गो अवे, और बोलता है वेट, वेट यानी इंतज़ार करना, आप कृपया इंतज़ार करें, वह बोला। और साथ ही कहता है कि प्लीज़ डोंट गो अवे, आप जो है कहीं जाइएगा मत। द हेयर ब्रॉट सम वुड, हेयर जो है खरगोश जो है ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, लाया सम वुड, कुछ लकड़ी लाया। ही स्टक टू स्टोन्स टुगेदर एंड मेड अ फायर, और क्या करता है, ही स्टक, स्ट्राइक यानी टकराना, स्ट्रक का मतलब है टकराया, टू स्टोन्स दो पत्थरों को टुगेदर एक साथ, एंड मेड अ फायर और क्या जला दिया, आग जला दिया। आप लोग देखो ना चकमक पत्थर होता है, पत्थरों को रगड़ने से जो है चिंगारी निकलती है, सूखे बांस को रगड़ने से चिंगारी निकलती है, तो उसने जो है उसका इस्तेमाल किया और आग जला दिया। यू कैन ईट मी ही सेड एंड जम्प्ड इन टू द फायर, वो क्या करता है, यू कैन ईट मी, वह बोलता है कि आप मुझको खा सकते हैं, बोला ही सेड एंड जम्प्ड इन टू द फायर, और जो है वह जंप कर दिया, आग में कूद गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही गई है, खरगोश जो है पहले घास बताया, घास को तो साधु नहीं खाता था, तो क्या किया, वह दिमाग लगाया कि भाई मैं इस साधु की भूख को कैसे मिटाऊं, और उसने अपने जान की परवाह न करते हुए अपने जान है ना, अपने आप को भोजन के रूप में पकाने के लिए खुद जो है लकड़ी लाया, खुद पत्थर लाया, खुद आग जलाया और उसी में कूद गया, और क्या बोला कि आप जो है मुझको खा सकते हैं करके कूद गया, यानी परोपकार के लिए उसने जो है अपना जीवन दांव पर लगा दिया। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, लेकिन जो फायर है, आग जो है, फायर यानी आग, डिड नॉट बर्न हिम, बर्न यानी जलाना, उसको आग ने नहीं जलाया। ही लुक्ड आउट बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर, और आग ने उसको नहीं जलाया। इसके बाद वो जब देखता है, लुक आउट करता है, जब बाहर आता है तो क्या देखता है, द हर्मिट वॉज नॉट देयर, जो हर्मिट था वह जो है वहाँ पर नहीं था, यानी हर्मिट जो है क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। फ्रंट एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, एक एंजल खड़ा हुआ था, एंजल यानी दूत, देवदूत खड़ा हुआ था। ही टुक द हेयर इन हिज आर्म एंड फ्लू ऑफ, उसने जो है उस खरगोश को अपने आर्म यानी भुजा में लिया, बाहों में लिया, एंड फ्लू अप, और आकाश में उड़ गया। ही पुट हिम ऑन द मून, और उसको कहाँ पर स्थापित किया, मून में, चंद्रमा में स्थापित किया। लुक अप एट द मून, यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट, चंद्रमा की ओर देखो, लुक अप यानी चंद्रमा की ओर देखो, यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन द मून, तुम अभी भी क्या कर सकते हो, चंद्रमा में देख सकते हो, जिस प्रकार ध्रुव तारे को, एक ध्रुव को तारे के रूप में एक स्थान मिला है, वैसी जो है उस खरहे को भी, खरगोश को भी स्थान। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो
तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन गड्ढा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए बेल आइकन को दबाएं, देखते रहें। धन्यवाद।